शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में जिसको करने से हमारे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो सकती है, क्रिएटिव हो सकते हैं बच्चे, बच्चे के माइंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। और सबसे अच्छी बात ये है इस एक्टिविटी की कि ये जो है एक्टिविटी, ये होम मेड है। आपको मार्केट से कुछ परचेज करके नहीं लेके आना है, आपको कहीं कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इजी टू मेक है, घर में पेरेंट आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो है क्या। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हाथ में दो पेपर हैं, आप देख सकते हैं। हैंडमेड है ये ड्राइंग, इसके ऊपर कुछ ड्रॉ किया हुआ है, हैंडमेड है, हाथ से ही। फिर मैंने कलरिंग की हुई है। सिमिलरली एक जो है पोर्ट्रेट में है और एक लैंडस्केप में है, आप देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम ड्राइंग करना सिखा रही है, ड्राइंग करने से बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इंक्रीज होगी। क्रिएटिव तो हो सकते हैं बच्चे, पर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, मेरे बच्चे को तो ड्राइंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये एक्टिविटी मेरे लिए है ही नहीं। तो आप गलत सोच रहे हैं, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं बात किस टॉपिक पे करने वाली हूँ आज। तो जो ये पेपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैंडमेड है, खुद ही हाथ से बनाए हुए हैं और उसके बाद कलरिंग की हुई है। मैं आपको रेफरेंस में पिक्चर देख वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये एक पज़ल है, ये है एक पज़ल और ये इस पज़ल के रेफरेंस के लिए पिक्चर बनाई हुई है। मार्केट में बहुत सारी पज़ल्स अवेलेबल है, आप मार्केट में जाके ले सकते हैं बच्चे के लिए। बहुत बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में कटिंग की हुई, बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज लेवल के अकॉर्डिंग, डिफ़िकल्ट, ईजी, सब तरह के पज़ल्स है अवेलेबल। बट हम इतना सारा हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि वो बच्चे जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े दिन उनके साथ खेलते हैं। ये बहुत कॉस्टली आते हैं मार्केट में जो पज़ल्स हैं, और उसके बाद बच्चा दो या चार बार खेलता है, उसके बाद वो उससे बोर हो जाता है, उसको थ्रो कर देता है। तो इतनी सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पेरेंट के लिए। तो उसके लिए मैं आप जो एक्टिविटी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इजी टू मेक है, घर में पेरेंट आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करके उसको दे सकते हैं। अगर बच्चा चार बार खेल के बोर भी हो जाता है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट दे सकते हैं उसको। इससे क्या होगा, बच्चा बोर भी नहीं होगा और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तो आप जैसे सब डिटेल में वीडियो में देख सकते हैं, ये एक पज़ल है, मैंने सेम ड्राइंग दो डिफरेंट पेपर पे, सेम साइज़ के पेपर पे की हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने पज़ल कैसे ज्वाइन करना है, कैसे करना है, वो मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। आप क्या कर सकते हैं, सेम ड्राइंग दो पेपर पे करिए। आप अगर इजी दोनों पेपर पे सेम ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, तो आप कार्बन पेपर लीजिए मार्केट से और उस कार्बन पेपर को नीचे रखिए, सेम ड्राइंग अपने आप आ जाएगी। देन उसके बाद कलरिंग कर लीजिए। अगर आपको लगता है ड्राइंग करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं ड्राइंग कर ही नहीं सकती, तो ये एक्टिविटी मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आई हैव वन मोर ऑप्शन फॉर यू। आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गूगल पे जाके क्लिप आर्ट सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे बच्चे को डोरेमोन बहुत पसंद है या फिर पेपा पिक बहुत पसंद है, तो आप बच्चे के एज लेवल के अकॉर्डिंग पिक्चर सर्च करिए गूगल पे जाके। अगर आपको लगता है कि बच्चे की एज जो है कम है, मीन्स 3 to 4 ईयर का ही बच्चा है अभी, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर नहीं जंबल होगा, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो पज़ल को नहीं सॉल्व कर पाएगा, तो आप वहाँ पे सिंगल एक पिक्चर लीजिए जिसके बैकग्राउंड में कुछ खास नहीं हो, सिर्फ एक पिक्चर हो। बच्चे की एज अगर ज़्यादा है, 6 to 7 ईयर है, 8 ईयर है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर ले सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों। उसके बाद आप उसको, आपको ड्राइंग नहीं आती, आप सेम पिक्चर को ले जाके मार्केट में प्रिंट आउट लीजिए। दो कलर प्रिंट आउट आप मार्केट से ले सकते हैं। कलर प्रिंट आउट लाने के बाद, अब वो कलर प्रिंट आउट जो है वो नॉर्मल पतले से पेपर पे, A4 पेपर पे आपको देंगे। आप चाहे तो उसे बड़े पेपर पे भी निकलवा सकते हैं, अच्छे थिक पेपर पे, पर वही इन्वेस्टमेंट वाली बात है, तो आप उसको नॉर्मल A4 पेपर पे निकलवाइए। उसके बाद उसमें से एक पेपर को जो आप रेफरेंस के लिए यूज़ करने वाले हो उसको एज इट इज़ रखिए। दूसरा पेपर जिसको हम कट करने वाले हैं उस पज़ल के लिए, उसको आप एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट करिए। कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं जो हमारे पास, जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से लेते हैं ना, तो कई बार अच्छी पैकेजिंग में आता है, थिक कार्टन होता है, कार्टन के ऊपर ही आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो उसको कार्टन पे पेस्ट करिए, उसके बाद कटिंग करके बच्चे को दीजिए। उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो जाएगा, बच्चा इजीली उसको फाड़ नहीं सकता, ख़राब नहीं हो पाएगा, हो सकता वो।
और जो आपने पिक्चर रेफरेंस के लिए ली है, अगर आपको लगता है वो भी बहुत हल्की है, इजीली ख़राब हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, हम जब भी क्लोथ्स लेते हैं तो वो एक सेलोफेन पेपर के अंदर आता है क्लोथ्स, आप उस तरह से कुछ ही कोई सेलोफेन पेपर लीजिए, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं जैसे मैंने लिया हुआ है, उसके अंदर आप इस पेपर को रख दीजिए। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा ड्यूरेबल हो जाएगा, बच्चा बार बार जब इसको टच कर रहा है, बच्चे का क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे खेलते हैं तो वो खाते पीते सब उसी हैंड से टच करते हैं, तो ये जो अगर बार बार उस सिंपल पेपर को टच करेगा तो वो ख़राब होने का रिस्क है, तो आप उसको इसके ऊपर कर सकते हैं और इसको संभाल के बच्चा रखेगा और इसको देख के बनाएगा। अब आप पज़ल में देख सकते हैं बच्चा कैसे पज़ल सॉल्व कर सकता है, बच्चा इसी के ऊपर रख के सॉल्व कर सकता है या फिर सेपरेट रख के भी सॉल्व कर सकता है, डिपेंड ऑन द चाइल्ड कि उसको कैसा इजी लग रहा है वो कैसा। अब ये क्योंकि इजी टू मेक है, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो पेरेंट कैन मेक 4 to 5, आराम से 5-6 लीजिए और बना के बच्चे को दे दीजिए। इससे क्या होगा ना, जब भी हॉलीडेज़ होंगी, कोई सैटरडे संडे आया बच्चे के पास, तो बच्चे जब ये सारी चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप बच्चे को दीजिए 4 to 5 ऑप्शन है उसके पास, इस वाले से बोर हो गया ठीक है दूसरे कार्टून कैरेक्टर के साथ खेल लो, ओके उससे बोर हो गया तो तीसरा दे दीजिए, डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, किस तरह का कार्टून पसंद है, उस तरह से चूज़ करिए पिक्चर और ईजी टू मेक एक पज़ल बनाइए और ये पज़ल आपके बच्चे को खेलने के लिए दीजिए। ये बच्चे के लिए ईजी टू मेक आपका एक गेम प्रिपेयर हो गया और गेम के साथ साथ ये बच्चे के माइंड को डेवलप करने में, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करने में इस सब चीज़ों के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो आई होप ये जो मैंने आपके साथ एक्टिविटी शेयर की इजी टू मेक एक्टिविटी, सो आप लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इस एक्टिविटी ने आपकी हेल्प की या नहीं की बच्चे को एंगेज रखने में। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।